चलो दोस्तों रेडी हो जाओ जस्टिस फॉर संजू के लिए, क्योंकि कल संजू को खिलाया गया और कल संजू पहली बॉल पे उठ गया। इसमें संजू की कोई गलती नहीं है, कोई भी प्लेयर बड़े से बड़ा प्लेयर जीरो पे उठ जाता है, तो वो सब मस्ती मजाक है। लेकिन देखते पूरी वीडियो, विक्ट्री फॉर इंडिया, सीरीज जीत गई इंडिया और भाई साहब क्या खेली है कल इंडिया। डीएलएस मेथड आ गया था बारिश की वजह से, लेकिन भाई साहब सूर्या ने और जायसवाल ने गजब हर जगह बारिश हो रही है दुनिया में, यहां छोड़ के। 1 2 3 गो एबी क्रिक इन्फो इन द हाउस। जिसके लिए पूरी दुनिया जस्टिस मांग रही है, वो कह रहा है मेरा एल ले जस्टिस। भाई क्या था यार, लंबा हैरी मैडम लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा, मैं कौन ले हूं लंबा, तेरी जान कसम ले लंबा। यार भाई गौतम गंभीर ना चिढ़ जाएगा, पहले मैच में 43 रनों से विक्ट्री, 4+3 7 थाला भोरे रीजन। इस मैच में फिर 60 विकेटों से जीत गए, ये तो डायरेक्ट थाला भोरे रीजन हो गया भाई, वो चिढ़ जाएगा। फिर पूछते हो सीएसके वालों कि हमारा बंदा क्यों नहीं खिला रहे, लाइक करो सब्सक्राइब करो। कहां की बात, कहां संजू आओ जरा यार, खुल के करते हैं बात जरा, आओ। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, कई दिनों बाद सुना मैंने गाना, ये काम की नहीं, बहुत दिनों बाद ये गाना सुना मैंने। संजू सैमसन भी लाइक, क्या मुझे दूसरी जिंदगी मिल सकती है एज क्रिकेटर? सामने से जवाब आया, क्यों? क्योंकि ये वाली तो मैंने झंड कर ली है, आधी मैंने कर ली आधी सामने वालों ने करवा दी। आज एक बात तो पता लग गई है भाई, ना तो संजू सैमसन खेलने में इंटरेस्टेड है और ना ही उसको खिलाने वाले लोग इंटरेस्टेड है भैया। ये ऐसा हो रखा है, सामने वाले भी मजबूर और हम भी मजबूर। आज संजू सैमसन को मजबूरी में खिलाया था क्योंकि प्रिंसों के गर्दन में भाई साहब मोच आ गई, नेक स्पैज्म, थोड़ा सा पहले तो बैक स्पैज्म होता था, अब नेक स्पैज्म होने लगा, तो मजबूरी में खिलाया था और मेरा भाई कतई मजबूरी में ही खेल के गया, गजब हो गया भाई साहब, गजब हो गया। और ये क्या मजाक है भाई, नहीं मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी थाला के फैंस हैं, ये तुम कौन सी यार, तुम चिढ़ा रहे हो यार गौतम गंभीर को, कभी विकटों से थाला बोरे रीजन कर रहे हो, कभी रनों से थाला बोरे रीजन कर रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है यार भाई। अच्छा यार, बात नहीं, 7 विकटों से जीत गए हैं भाई लोगों, सीरीज हम लोग जीत गए हैं, जस्टिस हम मांगेंगे संजू सैमसन के लिए, लेकिन आज अलग तरीके से मांगेंगे। देखो भाईयो, मैच तो तुमने देख लिया जो भी हुआ है, एक तो मेरा मन ही नहीं लगता जब तक रवि नहीं आता भैंस की यहाँ, मुझे लग रहा है आज रवि कहीं मिस कर गया है, आज मैच में बारिश आ गई, रवि की टाइमिंग ऊपर नीचे होगी भैंस की आंख थोड़ी सी, जब तक रवि नहीं, रवि तो मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी है एक तरीके कोई बात नहीं, आता ही होगा वो लोड कर रहा है मैसेज। भाई एक बात बताओ ना संजू सैमसन के लिए, देखो भाई जिंदगी में ना एग्री और डिसएग्री करते रहना, जिंदगी में ना बहुत बार तुम्हें उतने मौके नहीं मिलते जितने की दूसरों को मिल जाते हैं, लेकिन तुम्हें चुनिंदा मौके मिलते हैं, बहुत ही कम मौके मिलते हैं, पर तुम्हारा ये फर्ज है कि उन मौकों में जो इक्का दुक्का मौका मिले उसको छोड़ूंगा नहीं, सीधी बात, उसको जाने नहीं दूंगा। ये जो 8 ओवरों में 78 रन का टारगेट हमें मिला था जब इंडिया वापिस आई बल्लेबाजी करने, क्योंकि उसमें से 6 रन हम लोग बना चुके थे 3 बॉल में, तो 45 में 72 रन जो रह गए थे, उस 72 रनों में से यशस्वी जायसवाल वाली पारी अगर खेल जाता आपका संजू सैमसन, तो भाई लोगों हम यहाँ बैठ के बात कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते, हाँ या ना कर दो एक बारी जरा, सीधी बात। तो भाई देखो ये वही बात है कि बस सामने वाले का भी मूड ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा, नॉट इंटरेस्टेड मोड में लग रहा है संजू सैमसन। अब तुम एक चीज कहोगे संजू के फेवर में, एक चीज कहोगे हाँ या ना करना जरा, भाई मेरी तरफ ध्यान दो, तुम रवि को छोड़ दो भैंस की मेरे को रवि। अब तुम ये कहोगे यार भाई एक ही मैच तो मिला है, एक ही मौका तो मिला, भाई जिंदगी में कई बार एक ही मैच मिलता होता है, कई बार एक ही मौका मिलता होता है। एक चीज समझो, जब तुम्हें ये पता है कि भाई मुझे ये सामने वाले ना जब भी इस्तेमाल करते हैं मजबूरी में इस्तेमाल करते हैं, तो मैं कुछ ऐसा, हालांकि संजू सेंचुरी करके भी बाहर हो जाता है, वो वनडे में सेंचुरी करके आया हुआ है साउथ अफ्रीका में, उसको फिर भी नहीं लिया वनडे में, जब तुम्हें ये पता है तो तुम्हें तुम्हारा तो फर्ज बनता है भाई जो भी इक्का दुक्का मौका मिले उसको मैक्सिमाइज करने का मेरा फर्ज है। तो भाई संजू सैमसन की मुझे कहानी समझ में आ नहीं रही है। बाकी शुभमन गिल को लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यार भाई शुभमन गिल क्यों नहीं खेला, भाई उसको गर्दन में थोड़ा दर्द था, मोच आ गई थी उसको, तो इस वजह से वो नहीं खेला। क्या कर रहा था वो, मोच आ गई गर्दन में। अच्छा 162 रनों का टारगेट मिला था इंडिया को, इंडिया बैटिंग करने आई, बारिश हो गई, जब 6 रन आए, 6 रन हो गए थे, यशस्वी जायसवाल ने दूसरी ही बॉल पे ऊपर चढ़ा दी थी बॉल,
जो है वो मैच जो है वो 8 ओवरों का हो गया। मैं तो चाहता था ये मैच 7 ओवरों का हो जाए भैंस की यहाँ थाला भर जाए, 7 ओवर में 78 रन का टारगेट मिल जाए तब आता जाता मजा, क्योंकि फिर 7 विकेटों से विक्ट्री 7 ओवरों का मैच इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। इंडिया ये मैच कितने बॉल पहले जीत गई, 3 ये और 1 ओवर वो, 9 बॉल पहले जीत गई है इंडिया। और इसमें देखो पहले ओवर में तो चलो कुछ हुआ नहीं, दूसरे ओवर की पहली बॉल पे संजू सैमसन पहली बॉल पे आउट हो गया, कंप्लीटली मिस कर गया भाई कंप्लीटली। लाइक सब्सक्राइब करते रहना भाइयों, फिर आ रहा हूं मैं जल्दी मैसेज पे आ रहा हूं क्योंकि ये मैच थोड़ा छोटा हुआ है। संजू सैमसन 0 रन 1 बॉल। अब यशस्वी, अच्छा यशस्वी जायसवाल ने 1000 रन पूरे कर लिए भाई लोग, यशस्वी जायसवाल इस साल में 1000 रन पूरे कर गया है अपने इंटरनेशनल मतलब इंटरनेशनल इस साल में 1000 रन पूरे किए उसने, ठीक है। वैसे ओवरऑल आप लोगों को पता ही है टेस्ट में उसके 1028 रन है यशस्वी जायसवाल के, T20 आईज में उसके 713 रन है, और भाई IPL को तो चलो छोड़ ही देते हैं वो तो 1607 रन है, और T20 का 165 का एवरेज है। और मैं एक स्टैट्स देख रहा था भाइयों, एक स्टैट्स देख रहा था मैं, उसमें यशस्वी जायसवाल इस साल का स्टैट है वो T20 का, T20i का भाई वो ट्रेविस टुल्ले से ऊपर है उसका स्ट्राइक रेट, जायसवाल की भी ना ज्यादा बात नहीं होती। और देखो इस तरीके का लड़का जब 0 पे आउट होता है भाई उसको सपोर्ट करा करो, मैं तो करता हूँ भाई ऐसे ओपनर को। इस बंदे का टेस्ट में भी 70 का एवरेज है, तो बहुत अच्छा खेला, कमाल की बैटिंग की है। सूर्य कुमार यादव आया, वही भाई देखो यही तो है नंबर 3। वैसे तो मैं हमेशा कहता हूं कि एक विराट कोहली जैसा आदमी चाहिए होता है, एकदम रिलायबल, एकदम भरोसा कर सको, एकदम पत्थर जैसा सॉलिड आदमी चाहिए होता है नंबर 3 पे, लेकिन अब विराट कोहली है नहीं है और सॉलिडिटी वाला इस टीम में, अच्छा सॉलिडिटी विराट कोहली टाइप का भरोसेमंद प्लेयर इस टीम में कोई लगता है तुम लोगों को T20 इस 11 में बताओ, इस 11 में लगता है कोई? मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि विराट कोहली हूबहू बन जाए कोई, लेकिन एक होता है ना रिलायबल प्लेयर की हाँ यार ये तो रोक ही लेगा, तो मुझे लगता है हल्का फुल्का थोड़ा सा शुभमन गिल है। शुभमन तो है, वो कल खेला नहीं, मैं इसलिए नाम नहीं ले रहा था। देखो नंबर 3 को ना 2 तरीके से खेलना पड़ता है, अगर जल्दी विकेट गिर जाए भाई पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल भी करना, तो ये अच्छी बात है कि 12 में 26 किया आउट होके चला गया कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हार्दू को यूं करा इसने संजू ने, अरे अपना स्टाइल ने जाते हुए यूं किया, अरे भाई क्या दिक्कत है आजा भाई पैंट पुंट पहन के कहां खड़ा रह गया, वो तैयार ही नहीं था हार्दू, तैयार नहीं था या कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है कुछ इस तरीके का कहानी हुई है। तो अच्छा हार्दू ने भी 9 में 22 किया, देखो ये बड़ा ना ट्रिकी सा हो जाता है सिचुएशन, अगर यहाँ पे एक बंदा स्ट्रगल कर जाता, सपोज करो एक लड़का यहाँ पे पंत या फिर भाई आपका हार्दिक पांड्या अगर कहीं ना कहीं थोड़ा सा रन बॉल खेल जाता ना, तो फिर ये दिक्कत हो सकती थी, मैच फिर आखिरी ओवर तक चल जाता मैच। बहुत अच्छा कमाल हो गया, लाजवाब, मजे ही मजे। सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर की पहली सीरीज है भाई ये जीत गए दोनों के दोनों। मोहम्मद सिराज कह रहा भाई यार मैं नहीं खेल रहा यार भाई मेरा नहीं मन कर रहा यार विराट कोहली को खड़ा करो यार स्लिप में, भाई विराट कोहली के बगैर भाई उसकी बत्ती नहीं जल रही, तुम मानो ना मानो उसकी बत्ती नहीं जग रही है, लैग लूग नहीं होता हमारा, हमारा तो खींच के चलता है। लाइक सब्सक्राइब करो, कोई कह रहा है लैग हो रहा है भैया, एबी क्रिक इन्फो का सब्सक्राइबर नहीं होता है, जो नए भाई लोग उनको कार्यकर्ता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भाई साहब कार्यकर्ता बनता है, कार्यकर्ता क्रिकेट की सेवा करनी है आपको, फर्ज होता है, जितना लोड मैं लेता हूं सामने वाला भी उतना ही लेता है। डिस्क्रिप्शन में जाके भाई एक बार एक एक फॉलो मार देना, जहां जहां पे जो भी दिखे, टेलीग्राम दिखे, इंस्टा दिखे, व्हाट्सएप दिखे, ट्विटर दिखे, कुछ भी दिखे, एक एक फॉलो मार लेना। अर्शदीप, अच्छा मैं सिराज की बात कर रहा था भाई, सिराज कह रहा यार भाई देखो मन नहीं कर रहा यार, आज मूड नहीं है कर रहा यार, जब तक विराट कोहली नहीं नजर आता ना तब तक भाई मन नहीं कर रहा है। मतलब यार वो 2 मैचों में सिर्फ 1 विकेट ले पाया है, एक, और किसकी ले पाया पता है, पति राणा की, इस मैच में भी विकेट नहीं मिल रहा, रन हालांकि उतने नहीं दे रहा, हालांकि आज 27 रन दिए हैं 3 ओवरों में, बट विकेट नहीं मिल पा रही यार। देखो श्रीलंका का तो ओन करता है ना वो ओनर ऑफ श्रीलंका, एक बात बताओ हम जब यहाँ से जा रहे थे हम तो ये कह रहे थे यार बाकियों को लेके मत जाओ, हमारा सिराज अकेला बहुत है, तो ये चीज है भाई। अर्शदीप बहुत अच्छा बोल डाल रहा भाई, इस लड़के को बड़ा ही कॉन्फिडेंस आ चुका है वर्ल्ड कप के बाद, हाँ या ना कर देना एक बारी, वो है जब आप बड़े लेवल पर बहुत अच्छा कर देते हो तो दर्जा खुद भी निकाल सकता हूँ, मैं रन भी थोड़े कम दे सकता हूँ। अच्छा आज ना हार्दिक पांड्या को बड़ा ही अलग तरीके से यूज किया, हार्दिक पांड्या को आज 14वें ओवर में लेके आए, हाँ 14वें ओवर में, और उसने 14 ही रन दिए भाई साहब, और हार्दू का पहला ओवर खत्म ही नहीं हो रहा था, आज हार्दू ने 7 वाइड बॉले डाल दी हैं, सिर्फ और सिर्फ, अच्छा लीगल बॉल डाली थी 12, मतलब 12 ही डाली हैं उसने, बोले 2 ओवर डाले हैं, अच्छा वो इतना फर्स्टेड कर दिया उसने बैट्समैन को वाइड डाल डाल के, कौन कौन मानता है ये बात, वाइड डाल के डाल डाल के इतना फर्स्टेड कर दिया
बैट्समैन दुखी हो गया, बैट्समैन कहता है यार भाई यार दुखी हो गया यार मैं, उसने मतलब ना मारने वाली बॉल को भी मार दिया, कैरम नहीं खेल रहा, मार दूंगा। उसके बाद भाई अक्षर पटेल 4 ओवर 30 रन 2 विकेट, मैं तो अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस से, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब इंडिया में हुई थी ना भाई, मैं तो इस बंदे से तभी बहुत ही इंप्रेसिव हुआ था कि मैंने कहा यार ये दिखता दुबला पतला है, कुछ करेक्टर होते हैं ना जिनसे जितनी मर्जी अच्छी बात कर लो भाई शक्ल पे ऐसा लगा रहता है जैसे चेक बाउंस हो रखा है, ये ऐसा करेक्टर है जब मर्जी बात कर लो, कोई भी कुछ भी बात कर ले दांत ही निकले रहते हैं, अच्छी बात है, ऐसा करेक्टर होना चाहिए। 2 विकेट लिए भाई, 30 रन दे बोले मस्त। रवि बिश्नोई, ये ना एक लाइफ का लेसन है याद रखना, मैंने पिछले मैच में क्या बोला, कल रात को क्या बोला था, 37 रन दिए थे शायद रवि बिश्नोई ने, मेरे को करेक्ट याद नहीं आ रहा 37 दिए थे या कितने दिए थे, कल मैंने एक बात बोली थी कि यार देखो पिछले मैच में 37 वाला नहीं है ये बॉलर, वही वाला है 25-28 वाला, ये इतने ही रन देता है 25-28 25-28। कल एक चीज हुई थी याद हो किसी को, बॉल इसको चोट लगी थी यहां पर, कट लग गया, खून आ गया, आंख भी पूरी लाल हो गई थी, वो किसी तरीके से यहाँ पे वो अपना डॉक्टर ने यहाँ कुछ लगा लोगों के, वो बैंडेड वगैरह लगा लोगों के, वो उसने ओवर डाला, उसके बाद ग्राउंड नहीं छोड़ा उस बंदे ने। तो मैंने कल कहा था, मैंने कहा यार ये इस तरीके से करेक्टर दिखाना पड़ता है भाई, इस तरीके का करेक्टर होता है कि जो ये कहता है कि नहीं यार जो मर्जी हो जाए मैं मैच छोड़ के नहीं जाऊँगा। तुम देखो यार, हमने बहुत ही कम खरोच में कुछ प्लेयरों को बाहर बैठते हुए देखा है या बाहर जाते हुए देखा है, आज वो बंदा फिर मैच खेला, उसने 26 रन दिए हैं और भाई 3 विकेट लिए हैं उस लड़के, देख ले, और मैन ऑफ द मैच भी गया है, तो ये होता है भाई करेक्टर, जज्बा, ये होता है रियल जज्बा, खोखला ना करना जरा भाई, देखो तुम अपने काम को जब अपने दर्द से अपने कंफर्ट से ऊपर रखते हो ना, तुमने काम की इतनी इज्जत कर दी भाई, फिर काम तुम्हारी इज्जत करता है। पॉइंट टू बी नोटेड। आज वो हैट्रिक पे भी आ चुका था इस बार के लिए, मैं तो सोच रहा था यार हो ही जाए, अच्छा लगता है ना फिर, मतलब ऐसे कि यार एक यंगस्टर है अच्छा लगता है, हालांकि यंगस्टर नहीं अब तो वो मेन स्पिनर बन के खेलेगा ऐसा लग रहा है, शायद इन लोगों ने अब आगे बढ़ गए हैं ये लोग। रियान पराग दी ऑलराउंडर, ये भाई एक बात बताऊं, रियान पराग का बॉल जितना घूम रहा था, जितना बॉल टर्न कर रहा था, मेरे को लग रहा था कि ये दिक्कत हो सकती है शायद अपने, क्योंकि यार देखो श्रीलंका एक टाइम, एक तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा मुझे श्रीलंका वालों का, और मुझे अपना भी कन्फ्यूजन है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, तुम लोग बताना जरा हेल्प करके भाई, ये आखिरी के 5 ओवरों में श्रीलंका ज्यादा नल्ली खेल रही है या हम बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग बॉलिंग डाल रहे हैं। पिछले मैच में भी 15 ओवरों के बाद यार कमबैक करने का आप उनको आदत ही पड़ गया वर्ल्ड कप के बाद से, मतलब वर्ल्ड कप वाला मैच हम ऐसा जीते हैं उसके बाद से इतना कॉन्फिडेंस अपने को हमारा कि कहीं से भी पलट देंगे, टीम का हाई है कि लास्ट में तो जीत ही जाएंगे, जो मर्जी सिचुएशन हो लगता है यार अब तो हम रोक ही लेंगे, और ये जैसे 130-140 पर जाते हैं ना, इनको पता नहीं क्या हो जाता है श्रीलंका वालों को, अजीब सी टांगे कांपने लग जाती है, अजीब अजीब हरकतें करते हैं, 190 जा रहे थे अच्छा वाला, मेरे को ये था यार कोई एक डिफिकल्ट मैच होना चाहिए, सांस ही रुक जाए, मतलब ऐसा ना यूं यूं कपड़े पकड़ के कुछ नहीं हुआ ऐसा, हालांकि संजू ने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की, संजू ने ये भरोसा दिया सामने वाली टीम को कि ए भाई सुनो रे ये जस्टिस जस्टिस मांगने वाले मेरे लिए बिना मतलब के दुखी हो रहे हैं, मुझे तो चाहिए भी नहीं है जस्टिस, मुझे जस्टिस नहीं चाहिए, मुझे रेस्ट चाहिए, वो इस तरीके से कह रहा है भाई यार संजू सैमसन, यार संजू सैमसन के लिए मैं बहुत नाराज हूँ यार भाई, सच में यार ये वही बात होगी, सामने वाले भी इंटरेस्टेड नहीं है खिलाने में, मैं भी खेलने में इंटरेस्टेड हूँ, कमाल होगी यार, 130 पे 2 आउट थे श्रीलंका के 15 ओवरों में, अगली 10 बॉल के अंदर 10 रन बने लेकिन विकेट 4 आउट हो गई, पता नहीं क्या करते हैं ये, फिर आता है अच्छा रियान पराग ने, एक बात बताऊं मैं भाई, ये बहुत अच्छा काम हो रहा है यार, देखो रियान पराग का एक बात बता दूं, जब वो अच्छा करेगा वो तब भी मजाक उड़ेगा उसका, जब वो बुरा करेगा उस पे तब भी हंसेंगे लोग, ऐसे ही वो थोड़ा सा वो होता ना कई बार बालक होता है वो, उस पे लोग ऐसे ही मजाक करते रहते हैं उसका, तो ज्यादा बुरा नहीं मनाना रियान पराग के जितने फैंस हैं, देखो यार एक ना टीम में ऐसा भी चाहिए करेक्टर जो अपनी हरकतों से बाकी सबको हंसाए, तो ये थोड़ा सा समझो अंडरस्टैंड करो, और वैसे भी यार उसको तो गौतम गंभीर 3 फॉर्मेट का प्लेयर बना के एकदम मस्त थी मैच कल, जब मैंने शुरू किया 7 बजे तो देखा कि यार वहां पर तो वो चल रहा है वो क्या होता है वो रोहित शर्मा है, अरे रोहित शर्मा नहीं वो प्रैक्टिस वैसे ही घूम रहे प्लेयर इधर उधर, कोई यूनिफॉर्म में नहीं था वो वाली मैच वाली, तो फिर मैं गया गूगल पे मैंने टाइप किया इंडिया वर्सेस श्रीलंका सेकेंड T20, वहां लिखा है अबैंडन्ड या सस्पेंडेड ऐसा कुछ, मैंने कहा है ये क्या हुआ,
बारिश की वजह से सीधा मतलब साथ में डिसाइड कर दिया उन्होंने कि मैच होगा नहीं। भाई आजकल गूगल पे पता नहीं क्या करके लिख रहे हैं वो कि सस्पेंडेड या अबैंडनड ऐसे का तो है, तो एक छोटी सी बीमारी ढूंढ ले एक बार। नहीं यार ये सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए, सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए था, वहां पे लिख रहे थे डिलेड ड्यू टू रेन, वो लिखा होना चाहिए था, बल्कि सस्पेंडेड। मैं अगली बार स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा अगले मैच में भी ऐसा हुआ तो मैं टेंशन में। फिर मैंने उसके बाद फिर मैं गया जो ट्विटर पे जो ट्वीट्स होती है वहां लिखा था कि डिले स्टार्ट है 7:15 में टॉस होगा। मैंने कहा चलो शुक्र है, फिर 7:15 में टॉस हुआ, तब तक फिर मैं थोड़े से काम में बिजी हो गया तो मैं देख नहीं पाया। फिर मैंने इनिंग जब देखी गाड़ी में था तब तक फिर इंडिया की इनिंग पे जब मैंने चलाया ओ भाई तब वहां पर मैं देख रहा फिर मैच नहीं हो रहा। मैंने कहा अब क्या हो गया, फिर सस्पेंडेड लिखा आ रहा है। फिर पता लगा कि भैया बारिश की वजह से रुका हुआ है। फिर डीएलएस मेथड हुआ, डकोट लुईस मेथड, फिर टारगेट मिला। कल भाई साहब मैच देखना भी टास्क हो गया एक बार तो। लेकिन इंडिया गजब खेली, मैं तारीफ यहाँ पर कहूंगा यशस्वी जायसवाल की। भाई उस बंदे की इंटेंट ही गजब है यार। वो बंदा देखता कि 100 बनाने 200 बनाने, वो प्लेयर मुझे प्रॉपर एक ओपनर लगता है T20 के हिसाब का, कि आएंगे कोहराम मचाएंगे और आराम से चले जाएंगे बिना। और कल वो फनी लग रहा था बीच की मांग निकाल के ऐसा क्यूट सा बैठा हुआ था जायसवाल, क्योंकि वो लगता है बहुत बच्चा ही है, बहुत यंग है। लेकिन गेम की मेच्योरिटी भाई उस बंदे में बहुत गजब है, उसको पता है उसका क्या काम है ताबड़तोड़। और कल हर एक प्लेयर ने गजब किया, संजू सैमसन के साथ बुरा हो गया यार कल, अब क्या बोलूं, मीम्स वीम्स अलग है। ये होता है एक बार किसमें और भी लोगों ने बोलता है जस्टिस है, और जब खेला था ना तो परफॉर्म नहीं कर पाया था, होता रहता है चलो ठीक है। लेकिन वो बढ़िया प्लेयर है भाई, वो चीज ठीक है। लेकिन रियान पराग इंडिया का ब्राइट फ्यूचर, आगे आप देखोगे भले आज थोड़ा थोड़ा ट्रोल्स मीम करते हैं, लिमिटेड नेट दिया करो, नेट लिमिटेड दो, उसके बयान बिल्कुल भी वायरल मत करो। उसको कह तू बैट से जवाब दे, है ना, बड़े से बड़ा प्लेयर बैट से जवाब देता है, बैट से बॉल से तू और बोल मत, क्योंकि एक तो हिस्ट्री और एक वो इंटरव्यू थोड़ा भी गड़बड़ कर देता है। बाकी प्लेयर अच्छा है, मिलता है सब के साथ, बाय टेक केयर।